हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पैसा कैसा कमाया जाए, ऑनलाइन पैसा कैसा कमाया जाए। हर कोई चाहता है कि पार्ट टाइम पैसा कमे, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं मतलब जो टेक्नोलॉजी में होते हैं, वो स्किल्स होती हैं लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि पैसा कैसे कमाया जाए, हम स्किल्स को कैसे बेचें अपनी। मतलब कोई डेवलपमेंट में होता है तो चाहता है कि यार मैं जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना के पैसे कमा लूँ अलग से पार्ट टाइम। तो हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं एक साइट जिसका नाम है फाइवर। ये फाइवर आप जब सर्च करोगे तो ये मिल जाएगी आपको फाइवर। इस तरह से इसका ये जो है, आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ मिलेगी। ये मेरा लॉगिन पहले से ही है, तो मैं इसे लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। जब लॉग इन करोगे तो आपको ये ऑप्शन खुल के आएगा। आप दो तरीके हैं, आपको तीन तरीके हैं लॉग इन करने के लिए। ये तो फेसबुक अकाउंट से कर लो या गूगल अकाउंट से। जब बंदा मतलब ये तो अकाउंट होते ही है बंदे के पास कि भाई ये फेसबुक या गूगल, तो आप कर सकते हो। तो आप मेरे पहले से बना हुआ अकाउंट, तो मैं इसलिए लॉग इन कर लेता हूँ। आप ये यहाँ किसी से अकाउंट से लॉग इन कर लेना। मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे होता है इसमें। लॉगिन जैसे ही आप करोगे, आपकी इंफॉर्मेशन फिल करने को देगा वो, कि जो आपकी डिटेल है कि आप क्या करते हो वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल डिटेल होती है आपके बारे में। उसके बाद आपका आएगा गिग्स के बारे में, तो आपको ये दिखाई देगा ऊपर ये सब। उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप इसमें जब लॉगिन करने के बाद आओगे तो उसमें ये जब इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होगे तो वहां ऑप्शन आएगा कि आप बायर बनना चाहते हो या सेलर। मतलब एक तरह से कि एक बायर मतलब बेचने वाला या खरीदने वाला, ये दो एक ऑप्शन आता है, बायर या सेलर। तो आपको अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आपको बायर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेलर सेलेक्ट करने पड़ेगा। और जो खरीदना है तो सेलर, तो आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इसके बाद फिर सबसे मेन चीज होती है कि जब ये होने के बाद अपनी डिटेल भर देते हैं तो तब ये ऑप्शन खुलता है। तो हमारे पास जब गिग्स पे, तो हमारा सबसे मेन होता है गिग्स। गिग्स का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारा गिग्स ये शो हो रही है, ये शो नहीं होती, कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू गिग्स पे क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो क्रिएट न्यू गिग करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब गिग का ये होता है इसमें, ये गिग वो एक तरह से प्रोजेक्ट होता है। आप एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, पूरा लिखते हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है। जो गिग्स में एक हेडिंग होता है उसका मेन हेडिंग, जो बंदे सर्च करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे क्रिएट न्यू गिग्स पर जाएंगे आप तो ये इस तरह से आएगा। टाइटल वगैरह वगैरह ये सब चीज फिल करनी पड़ती है, मैं पहले कर चुका हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हें। तो ओवरव्यू में ये आएगा, तो आपको टाइटल डालना है। जैसे मैंने टाइटल डाल रखा, डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये यहाँ आपको ऐसा यूनिक नाम डालना है जो किसी ने यूज नहीं कर रखा हो, आप डाल सकते हो। इसमें एक चीज अच्छी है, खास बात ये होती है फाइवर में, सबसे छोटा प्रोजेक्ट $5 का होता है। मतलब आप जैसे कोई बंदे लोगो क्रिएट करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं जॉब करना चाह रहा हूँ कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए लोगों की, लोग जनरल, तो आप यहाँ आ सकते हो फाइवर पर। बड़ा अच्छा टूल, सही वेबसाइट है। छोटा वेब प्रोजेक्ट मिलता सबसे छोटा $5 का, तो हर कोई बंदा बनवाना चाहता है कि चलो $5 ना लोगो बनवा लेते हैं। या आप डेटाबेस में कुछ भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ जो भी स्किल्स, आप यहाँ उस स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ओवरव्यू में ये हमारा है, इसमें डेवलपमेंट हमने एक डाल दिए सर, तो आप डाल सकते हो जैसे लोगो डिजाइन करना आपको, कि डिजाइन बेस्ट लोगो, प्रोफेशनल लोगो, या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, डेवलप करते हो आप तो डेवलपमेंट बेस्ट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे लिख देता हूँ। इसमें मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, ये मैंने टॉपिक चुना है, आप कुछ भी चुन सकते हैं। अब यहाँ ये चीजें आती हैं जैसे कैटेगरी।
कैटेगरी में आप यहाँ सिलेक्ट करोगे कि भाई ग्राफिक डिजाइनर में वो आते हैं जैसे लोगो वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग में वो राइटिंग में जो जैसे वो वीडियो एनिमेशन, एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, म्यूजिक वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो हम टेक्निक में ये डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में आता है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ ऑप्शन आता है कि क्या बनाना चाहते हो आप, क्या करते हो, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग टेक्निक आए तो इसमें ये कई तरह के वो खुल जाते हैं आपके पास कि आप सपोर्ट देना चाहते हो डेटाबेस का, टेस्टिंग का, या क्या मतलब किस तरह का आप काम करोगे। तो हम कर देते हैं भाई कि हम मतलब वेब प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी है ये कर देंगे। अब इसमें टाइप आता है सर्विस टाइप, मतलब किस किस टाइप की सर्विस दोगे आप, मतलब इस तरह से कि कोई भी जैसे आप सर्विस देते हो मेरा वेब एप्लीकेशन का, तो मेरा वेब एप्लीकेशन आएगा। आप जो भी दोगे कस्टम वेबसाइट दे देता हूँ मैं, या आप ऐसे कस्टम वेबसाइट से बना देते हैं। अब जैसे आप जिस मैंने वेबसाइट का सिलेक्ट करा था, वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनाओगे, जैसे आप चाहते हो कि C#.NET या ASP.NET, PHP, कोई भी जो आप चाहते हो, तो मैं PHP सिलेक्ट किया मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ हम देते हैं सर्च टैग का, कि भाई सर्च टैग मतलब कि जो आप डालोगे टैग कि कोई बंदा आपकी मतलब खरीदना चाहता है आपकी वेबसाइट पे, मतलब तो आप वो सर्च करेगा कि वेब एप्लीकेशन, तो ये आपका जो गिग्स है वो आ जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो ये आता हमारा प्राइसेस, प्राइसिंग करके। तो यहाँ क्या है हमारा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तीन स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो इसको इसमें होता है प्राइसिंग का कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में आप डाल सकते हो कि भाई जो बेसिक, आप समझ ही रहे हो इसके नाम से ही कि बेसिक चीज देनी है हमें, ज्यादा वो नहीं। बेसिक में बेसिक और स्टैटिक हमने कर दिया, बेसिक साइट देंगे हम और स्टैटिक वेबसाइट देंगे, 2 डेज में दे देंगे, नंबर ऑफ पेजेस 5 होंगे। इसी तरह से डायनामिक प्रोफाइल वेबसाइट 8 दिन के अंदर, और इस तरह से हमने जो प्रीमियम में ज्यादा दे दिया कि 10 दिन में देंगे, और होस्टिंग भी करके देंगे, डोमेन खरीद कर देंगे आपको। इस तरह से हम स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंड, प्रीमियम में भर सकते हैं अपनी डिटेल, ये मैंने डाला था, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये आता है कि डिजाइन कस्टमाइज, कि आप किस में क्या क्या दोगे। पैकेज है ये वही कि डिजाइन मैंने ये कस्टमाइज कर दूंगा मैं, और रेस्पॉन्सिव डिजाइन करूंगा, ठीक है तीनों में। सोर्स, अब जैसे कुछ बंदे ऐसा होता है कि सोर्स कोड मांगते हैं, तो हम वो प्रीमियम में देंगे भाई, हम प्रीमियम में देंगे। रिवीजन का एक चीज ये होता है, रिवीजन, रिवीजन का मतलब इसमें ये होता है कि कितनी बार आप ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कितनी बार चेंजेस करके दोगे उसे, मतलब कितने मौके देना चाहते हो कि भाई बंदे को आपने डिलीवर कर दिया प्रोजेक्ट, अब वो चाह रहा है कि एक बार चेंजेस और कराना, तो वो आप नंबर ऑफ रिविजन देते हो कि भाई मैं कितनी बार चेंजेस कर सकता हूँ उसमें। तो हम 1 दे देते हैं इसमें, इसमें 2 दे देते हैं इसमें 2, फिर 2 बार हम चेंज करके दे सकते हैं इसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग। प्राइसेस दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी किसी भी उसकी बिजनेस की, तो हमें प्राइस कम रखना चाहिए कि यूजर आए, कस्टमर आए आपका, देखे कि भाई यार प्राइस अगर हाई होगा तो वैसे ही नहीं करेगा, रिस्क होगा उसके लिए। तो अब पहले क्या करना है हमें, बस रेटिंग बढ़ानी है। जैसे सपोज करो हमारा ये, मैं दिखाता हूँ अपना प्रोजेक्ट, सबसे मेन होती है हमें रेटिंग। जैसे अमेजोन पर हम प्रोजेक्ट वो कुछ खरीदते हैं, तो हम क्या सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं। तो जैसे मेरा ये सॉफ्टवेयर है, ये मेरा गिग है, तो मैं इसका रिव्यू दिखा रहा हूँ। देखो आपको प्रीव्यू इस तरह से शो होते हैं प्रोजेक्ट के, तो इसमें देखो मेरे रिव्यू सब अच्छे मिले हुए हैं, 5, 8 बार मेरे प्रोजेक्ट के रिव्यू मिले, सबने 5 रेटिंग दी। जो भी कोई कस्टमर होता है पहले तो आपके रिव्यू देखता है, फिर आपका ये देखेगा सारी इन्फॉर्मेशन, फिर बेसिक देखेगा कितने पैसे का, स्टैंडर्ड कितने पैसे का, तो ये चीजें बहुत मायने करती हैं। तो पहले प्राइस थोड़ा, अगर आपने रिव्यू बढ़ाओ कि एक दो आपको ऑर्डर मिले, आप अच्छा काम करके दो उस कस्टमर को, क्लाइंट को अपने, अच्छा वो खुश हो जाए तो आपको रिव्यू देगा अच्छे से। तो ये जितने अच्छे रिव्यू होंगे आपको बिजनेस उतना अच्छा मिलेगा। अब नीचे आते हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, मतलब एक्स्ट्रा आप क्या ऐड करना चाहते हैं। कोई बंदा चाहता है कि भाई मैं फास्ट एक्स्ट्रा डिलीवरी, कि मैं
आज वेबसाइट बनाने का काम थी, ऑर्डर दिया, बोले मुझे कल तक चाहिए, तो फास्ट डिलीवरी हो गई, बोले मैं आपको, तो उसके लिए हम बेचने वन डे में बना के दे देंगे उसको, हमारा ये है, और $5 एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड में कि 2 दिन में बना के दे देंगे, लेकिन $10 एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से इसमें फिर आ जाता है एडिशनल पेज कितने में है, मतलब एडिशनल पेज हम ऐड कर रहे हो तो कितने रुपए लोगे, तो हम $5 लेंगे। सपोज करो कि एक पेज ऐड करेंगे $5, अगर एक्स्ट्रा ऐड कराता है वो बंदा तो हम $5 लेंगे और एक दिन में कर देंगे। इसी तरह से कंटेंट अपलोड और इंक्लूड, अगर कोई बंदा चाहता है कि सोर्स कोड चाहिए मुझे, जैसे हमने आपने बेसिक वेबसाइट बना के दी या स्टैंडर्ड, इनमें हमने सोर्स कोड का नहीं रख रखा, तो जैसे ही वो सोर्स कोड मांगेगा हम $10 उससे एक्स्ट्रा लेंगे। एडिशनल रिवीजन वही की भाई कितने बार एक्स्ट्रा चेंज कराना चाहते हो, तो $5 पर रिवीजन का, पर एक दिन में करके दे देंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आगे आता है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में हमें ये होता है कि जो हमारी जैसे लिखा हुआ है ना ये, कि भाई ये सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारा, तो हमें अच्छे से लिखना है कि भाई ये, क्योंकि शो होता है स्टार्टिंग में, जब कोई गिग आपके ओपन करेगा तो इस तरह से आपकी गिग दिखाई देगी, तो ये अच्छे से आपको लिखना। मैंने छोटा सा लिखा, आपको अच्छे से लिखना कि भाई हम क्या हैं, छोटे डेवलपर हैं, कि हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं, या क्या क्या करा, क्या क्या काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें लिख सकते हो। और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। फिर आता है इसमें ऐड अनदर रिक्वायरमेंट। इसमें होता है कि आपने किस किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, जैसे मैंने ये लिखा आई विल यूज पीएचपी लैंग्वेज और वेब रोल में एसक्यूएल डेटाबेस और बैकएंड एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड, तो ये चीजें आप करने के बाद ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर आपका, जैसे ये करूंगा ना मैं, तो इस तरह से आपका आएगा, इसमें लिखोगे और ऐड का आएगा, मैं अपडेट कराऊँ तो अपडेट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, कंटिन्यू कर देंगे। फिर आता है आपका गैलरी। गैलरी में वो है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बना रखी है, कुछ भी जो काम किया रखा है आपने, तो उसकी फोटो वोल अपलोड कर सकते हैं और ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं, छोटी सी कोई वीडियो हो 75 सेकंड तक की और 50 MB की ज्यादा हो, मैम मैक्सिमम हो, और PDF वगैरह हो कुछ, वो ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर ये अपना आपका गिग बन के तैयार हो गया, पब्लिश कर देते हैं गिग। तो ये आप अपने गिग्स वगैरह शेयर कर सकते हैं कि भाई मैं ये करूंगा किस कहीं भी, और डन कर देते हैं। तो आपकी देखो ये गिग्स ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये मेरी आ गई गिग्स यहाँ, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इस तरह से, और ये हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से शो होगी। तो ये थोड़ा सा लिखा था मैंने, तो लेकिन आप ज्यादा लिखना अच्छा सा। फिर तो दोस्तों ये है हमारा गिग्स का, कैसे हम गिग्स क्रिएट करते हैं। सबसे मैन इसमें यही होता है कि अकाउंट बनाने के बाद गिग्स कैसे क्रिएट करते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 5 कर रखे हैं, 2 और कर सकता हूँ बाद में। तो दोस्तों ये था हमारा गिग्स का, और इसमें ये अच्छी बात होती है कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप स्टार्टिंग में प्राइस कम रखना दोस्तों, ये ध्यान रखना कि बंदे आपके प्रोजेक्ट लेंगे, तो अगर छोटा प्रोजेक्ट होता है $10 का, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया था देखो ये $10 का, एक बंदे को बना के दिया था, बंदा बड़ा खुश हुआ, मैंने काफी मेहनत करी उसमें और उसको पूरा सेटिस्फाई किया, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। तो उसने फिर मुझे 2 बार उसने ऑर्डर दिए, एक भी दोबारा इसने ऑर्डर दिया, इसी तरह से मैंने काफी काम किया। देखो ये बंदा, इसने बेचारे ने मुझे 2 बार ऑर्डर दिया। तो दोस्तों ऐसा काम करो, जो ये बंदा था इंडियन ही था, इसको काम करके दिया, इस बंदे ने मुझे $20 एक्स्ट्रा टिप दी, इस बंदे ने मुझे $20 एक्स्ट्रा टिप दी, मतलब प्रोजेक्ट जो था वो $200 का था लगभग, लेकिन बाद में उसने मुझे $20 भी एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम करके दिया उसको। दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम काम करना है तो अच्छे से करना है, क्योंकि
क्योंकि ये हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। तो ये दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो बताना, और मैं आशा करता हूँ आप भी किक्स क्रिएट करेंगे फ्रीलैंसिंग, मतलब पार्ट टाइम में कर लोगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आप इसी तरह बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।